कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी अपने चुनावी दौरे पर सोमवार को गोरखपुर पहुंचे। प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि छठवें चरण के चुनाव के बाद देश में लगभग 90% मतदान संपन्न हो चुका है। जनता के रुझान से ये बात उभर कर सामने आ गई है कि चुनाव के बाद कांग्रेस और सहयोगियों को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। यूपीए 1 और यूपीए 2 की तर्ज पर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 3 की सरकार का गठन केंद्र में होगा। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन नाइक, विधायक आराधना मिश्रा उर्फ मोना मिश्रा, पूर्व विधायक ईश्वर चंद्र शुक्ला, सदर लोकसभा प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी, 64 लोकसभा प्रभारी शिशुपाल पुरोहित सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर में संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जो अंचल में जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए और मोदी जी आते दुनिया भर की बात करते हैं, अपने उन वायदों का जिक्र नहीं करते जो उन्होंने पूर्वांचल की जनता से किया था। मैंने सहारनपुर से शुरू किया था, गोरखपुर अंतिम चरण में पहुंच गया। लगभग सभी से, पूरे देश के लोगों से संपर्क करने के बाद, बातचीत करने के बाद, अब यह तो कहा जा सकता है कि 90% मतदान लोकसभा का संपन्न हो चुका है, कई राज्यों में तो समाप्त हो चुका है। मैंने जो सब जगह का मेरा फीडबैक है, और मैं बहुत अधिकार पूर्वक और विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि जो तस्वीर इस 90% में उभरी है, उसमें एक चीज तय है, 23 मई को जो सूरज निकलेगा गिनती के दिन, वो मोदी साम्राज्य का अंतिम सूर्योदय होगा। मोदी साम्राज्य का सूर्योदय तो होता रहेगा अनंत काल तक। 23 मई को जो सूरज निकलेगा वो मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम सूर्योदय होगा। शाम को जो सूरज ढलेगा उसके साथ मोदी साम्राज्य का बिल्कुल क्लियर कट, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं, पतन हो जाएगा। सूर्य भी डूबेगा और मोदी का साम्राज्य भी झूठ पे आधारित था, धोखे पे आधारित था। सब जनता को जिसपे उन्होंने ठगा उस पे आधारित था, उसका अंत हो जाएगा। और कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, जो स्वरूप उभरेगा वो यूपीए 1 यूपीए 2 की तरह यूपीए 3 का गठन होगा। देश उधर बढ़ रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में, और जैसे यूपीए 1 और यूपीए 2 ने 5 साल कार्यकाल अपना पूरा किया था और एक बहुत ही जर्जर अर्थव्यवस्था जो हमें मिली थी उसको हमने संभाला था, उसी समय का है नरेगा, उसी समय का आप देखें जो हमारी जीडीपी थी, उसी समय की जो सारी राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू, ये सारी चीजें उसी कार्यकाल में हुई थी। यूपीए 3 का गठन हो रहा है और मोदी सरकार के पतन का जो मुख्य कारण होगा वो होगा 2014 में किए गए वायदों को पूरा न करना। पिछली बार भाजपा ने झूठे वायदे किए थे इसलिए सत्ता में आ गई थी, ठीक है, नहीं है ना? अब कि हम सच वायदे कर रहे हैं, खासतौर से 72,000 वाला, और हम सत्ता में आएंगे। हमें और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है गांधी और गोडसे का, सच और झूठ का। भाजपा जो कहती है वो झूठ बोलती है, हम जो कहते हैं सच के अलावा कुछ नहीं कहते, जो हम वादे करते हैं पूरे करते हैं। देश की आजादी की लड़ाई का वादा हमने किया था देश की जनता से, देश को आजादी मिली। देश को आत्मनिर्भर बनाने का वादा था कांग्रेस का, देश आत्मनिर्भर बना। देश को एक मजबूत भारत राष्ट्र बनाना था, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी और बाद की सरकारों ने, और मैं तो उसमें अटल बिहारी जी का भी नाम जोड़ता हूँ कि 5 साल 6 साल कम से कम उन्होंने देश की समरसता को इस तरह नहीं तोड़ा जिस तरीके से मोदी जी ने देश को अलग थलग किया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हम बोल रहे हैं, मायावती जी को हम विश्वास दिलाते हैं
कि हम सच बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। हम बजटिंग से बता सकते हैं कि जो हमने कहा है 70, मैं जानता हूं ये वाली बात सबको बहुत खल रही है, पर राहुल जी का वादा है वो पूरा होगा, क्योंकि उनमें एक एलिमेंट है बहुत, इंदिरा जी वाला, कह दिया तो फिर कर दिया। तीन राज्यों में कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे, दूसरे दिन का सूरज नहीं निकला, कर्ज माफ हुआ 2 लाख तक। राजस्थान में कांग्रेस ने हराया, राजस्थान के बाद दिल्ली आता है और दिल्ली की सरकार को कांग्रेस ही के नेतृत्व में हम परास्त करेंगे। 60 सीटों से ज्यादा पे चुनाव हो गया है। मैं अपनी बात पर कायम हूं कि जिस तरह UPA 1 UPA 2 बनी थी वैसे ही UPA 3 का गठन होगा। इससे मैं एक सेकंड भी लेफ्ट राइट विचलित होने वाला नहीं हूं। आप चाहे जैसे उंगली फेंकें वैसे बैठें, वरना हम सब यहां जो बैठे हैं, ICC बैठी है, सचिन जी, कैंपेन कमेटी है, शुक्ला जी है हमारे वहां, तो मेहरबानी करके वो भी बनारस में वोट नहीं डालेंगे तो मैं फिर कहूंगा कि डर गए।